स्थानीय थाना के निम्थू गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद हिरासत में ली गई महिला की मौत रविवार की रात के इलाज के दौरान हो गई। महिला की मौत की सूचना पर परिजन एवं ग्रामीण सोमवार को थाना परिसर में आकर जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर पुलिस और ग्रामीण के अपने तर्क हैं और इस तर्क को लेकर ही सोमवार को थाना पर जमकर हंगामा हुआ। घटना के विषय में बताया गया कि शुक्रवार की रात्रि स्थानीय थाना क्षेत्र के निम्थू गांव में सोनी कुमारी की हत्या उसके पति राहुल कुमार के द्वारा किए जाने को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें घटना को लेकर मृतक के भाई ने मृतक के पति राहुल कुमार, ससुर आनंद देव महतो एवं सास सोनमती देवी के अलावा दो अन्य प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनमती देवी, आनंद देव महतो के अलावा घर की दो अन्य महिला को हिरासत में ले लिया था, जिसमें सोनमती देवी की मौत सोमवार की रात्रि इलाज में हो गई। मौत की सूचना पर जब ग्रामीण थाने का घेराव किया तो इस कथित हत्या के मामले में पकड़े गए तीन अन्य को पुलिस ने छोड़ दिया। महिला की मौत के बाद पुलिस के कार्यशैली पर इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब पुलिस हत्या के मामले में चार लोगों को शनिवार को ही पकड़कर थाने लाई थी, जिनसे एक महिला की मौत रविवार की रात्रि इलाज के क्रम में मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो गई थी, अब जब पकड़े गए चार लोग प्राथमिक अभियुक्त थे तो पुलिस न्यायालय में क्यों नहीं ले गई, उसे तीन दिनों तक थाने में क्यों रखी। परिजन महिला के साथ मारपीट होने के बाद मौत होने की बात कह हंगामा कर रहे थे। हालांकि पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच हुई बातचीत के बाद आनंद देव महतो ने अपनी पत्नी की मौत के पीछे अपने पुत्र के ससुराल वाले लोगों के द्वारा मारपीट में घायल होने का कारण बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।